हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ए लीग के मैच के बारे में, जो गाइज खेला जाएगी यहाँ से वेलिंगटन फोनिक्स और न्यूकास्टल जेट्स के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइज इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितने असिस्ट किए हैं। और गाइज बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइज वो कौन से प्लेयर है जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से। और गाइज कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन सिलेक्शन ही काफ़ी कम रहेगा और उन्हें आप अपनी संभोल लीग टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ से जो ए लीग की जो पॉइंट्स टेबल है, उस पॉइंट्स टेबल पर इन दोनों टीमों की क्या रहती है पोजिशन। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट्स टेबल को। तो गाइज फिलहाल हम आ चुके हैं ए लीग के पॉइंट्स टेबल पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वेलिंगटन फोनिक्स है यहाँ से 10th पोजीशन पर है फिलहाल, और यहाँ से न्यूकास्टल जेट्स है यहाँ से 12th पोजीशन पर है। तो वेलिंगटन फोनिक्स ने दो मैच खेले हैं जिसमें से एक मैच ड्रॉ खेला है और एक मैच ने लॉस किया है, और दो गोल करे हैं प्लस तीन गोल कंसीड कर चुके हैं। तो गाइज दो मैच में दो गोल करना, इसको मान सकते हो एवरेज पर मैच के एक गोल पर मैच स्कोर कर रही है फिलहाल टाइम पे। वहीं पर बात करें इसने दो मैच में तीन गोल कंसीड कर चुकी है, तो इसका डिफेंस 1.5 गोल पर मैच कंसीड करने का एवरेज लेकर चल रहा है फिलहाल। वहीं पर बात कर जो न्यूकास्टल जेट्स है यहाँ से इसने चार मैच खेले हैं जिसमें से चार के चार मैच इसने लॉस किए हैं, तीन गोल करे हैं प्लस में सात गोल कंसीड कर चुके हैं। अटैक और डिफेंस इसका आप मान सकते हो यहाँ से चार मैच में तीन गोल करना, आप मान सकते हो 0.8 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन इसने चार मैच में सात गोल कंसीड भी किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है 1.8 गोल पर मैच कंसीड कर दे रहा फिलहाल के टाइम पर। तो इसका अटैक और डिफेंस बिल्कुल एवरेज है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ से फेवरेट टीम के बारे में। तो वेलिंगटन फोनिक्स ने पिछले सीजन यहाँ से 3rd पर फिनिश किया था, वहीं पर बात करें जो न्यूकास्टल जेट्स ने यहाँ से 10th पर फिनिश किया था। तो इन दोनों टीमों में पिछले सीजन की ये थी पॉइंट्स टेबल। तो आप मान सकते हो यहाँ से वेलिंगटन फोनिक्स एक बेहतर टीम है एज कम्पेयर टू यहाँ से न्यूकास्टल जेट्स। तो गाइस अब बात कर लेते हैं जब ये दोनों टीमें आपस में खेलते हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो गाइस इन दोनों टीमों ने अभी तक पिछले 5 हेड टू हेड मैच में से 3 मैच वेलिंगटन फोनिक्स ने विन किए हैं, एक मैच ड्रॉ खेला है और एक मैच गया लॉस, और यहाँ से 1.8 गोल पर मैच स्कोर हुआ लेकिन 1.4 गोल पर मैच कंसीड भी हुआ। अटैक और डिफेंस यहाँ से दोनों बराबर चलते हैं। तो गाइस पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में न्यूकास्टल ने 3-1 से 3-0 से विन कर लिया था, और उससे पिछले मुकाबला बाकी सभी यहाँ से वेलिंगटन फोनिक्स ने विन किए या ड्रॉ खेले हैं, तीन मैच विन किए हैं और एक मैच ड्रॉ किया। और गाइस अब बात कर लेते हैं जो वेलिंगटन फोनिक्स की जो रिसेंट फॉर्म उसके बारे में। वेलिंगटन फोनिक्स ने पिछले 6 मैच में से अभी तक कोई मैच विन नहीं किया, दो मैच ड्रॉ जरूर खेले हैं, चार मैच लॉस किए हैं और 0.5 गोल पर मैच स्कोर किया, 1.5 गोल पर मैच कंसीड किया। तो गाइस ये थी फिलहाल के मैच, ये दो मैच। पिछला मैच इसने 1-1 से ड्रॉ खेला था मैकआर्थर एफसी से, उससे पिछले मैच यहाँ से 2-1 से लॉस कर गई थी सिडनी एफसी से, और उससे पिछले ये बाकी मैच हैं जो ये पिछली जो लीग कंप्लीट हो चुकी है उस लीग का मैच है पिछली लीग का। तो गाइस अब बात कर लेते हैं जो न्यूकास्टल जेट्स है इसने पिछले क्या रहती है इसके रिसेंट फॉर्म। पिछले 6 मैच में से इसने दो ही मैच विन किए, अभी तो कोई ड्रॉ नहीं, सीधे चार लॉस किए, 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, 1.2 गोल पर मैच कंसीड किया। तो गाइस पिछला मैच अपने इसने चार मैच खेले हैं इस लीग में, तो चार के चार मैच यहाँ ने इसने वन साइड लॉस किए हैं, 2-1 से और यहाँ से 1-0 से भी लॉस किया है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ से इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितने असिस्ट किए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ से जो वेलिंगटन फोनिक्स है उसके प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे न्यूकास्टल जेट्स से जो उस टीम प्लेयर्स के बारे में। तो बात करेंगे उन प्लेयर्स की जो पिछले सीजन कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए थे और कितने असिस्ट किए थे। इस सीजन में तो इन दोनों टीमों ने दो गोल और यहाँ से तीन ही गोल किए हैं ना, तो ज़्यादा नहीं। तो पिछले सीजन का सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखें, कौन से प्लेयर कितने गोल किए कितने असिस्ट किए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से वेलिंगटन फोनिक्स के प्लेयर्स के बारे में। तो वेलिंगटन फोनिक्स टीम तरफ से पिछले सीजन यहाँ से डेविल ले था जिसने 12 गोल किए थे और 5 गोल इसने पेनल्टी में किए था, तो इस टीम तरफ से पेनल्टी लिया करता था। और वहीं पर बात गैरी हूफर इस अब नहीं खेलने वाला, ये इस टीम से अलविदा कह चुका। और वहीं पर डेविड बॉल जिसने 6 गोल किए थे और इस सीजन में भी इसने एक गोल कर दिया है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ से सोती रियो जिसने 4 गोल किए थे और यहाँ से कसास से यहाँ से 3 गोल, बाकी सभी ने 1-2 गोल के आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ से गैरी हूफर नहीं खेलने वाला, तो इसे आप इग्नोर करके चलना। तो गाइस अब बात करते हैं जो इस टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा असिस्ट पिछले सीजन कौन से प्लेयर के उसके बारे में देख लेते हैं।
तो इस टीम तरफ पिछले सीजन हाईएस्ट असिस्ट यहाँ से डेविला था जिसने 5 असिस्ट किया था, और गैरी हुपर जो कि नहीं खेलेगा इस पर आप इग्नोर करना, और डेविड बाल इसने 4 असिस्ट किया था, और यहाँ से पिस कोपा इसने 2-3 असिस्ट किया था, और टिम पाई ने 3 असिस्ट किए थे, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, टैकल इंटरसेप्शन और आपलिन क्लियरेंस का भी काफ़ी बेहतरीन पॉइंट दे सकता है, और यहाँ से सोतीरियो 2 असिस्ट किए थे, बाकी सभी ने 1-2 असिस्ट किया, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। तो गाइस अब बात करते हैं जो पिछले सीजन न्यूकास्टल टीम तरफ से हाईएस्ट गोल और हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर के उन प्लेयर्स के बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ से। तो पिछले सीजन हाईएस्ट असिस्ट मतलब हाईएस्ट गोल यहाँ से रॉय ओडोनोवन ने 10 गोल किए थे, और 30 गोल इसने पेनल्टी में 3 गोल पेनल्टी में किए थे, और यहाँ से डिमिट्री पेट्राटोस इसने 5 गोल किए थे, और मैथ्यू मिलर ने 4 गोल किए थे, और यहाँ से उगार कोविक ने 4 गोल किए थे, बाकी सभी ने 1-2 गोल किए, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। तो गाइस अब बात करते हैं इस टीम तरफ पिछले सीजन हाईएस्ट असिस्ट टेकर उस प्लेयर्स के बारे में, तो देख लेते। तो गाइस इस टीम तरफ हाईएस्ट असिस्ट टेकर पिछले सीजन डिमिट्री पेट्राटोस थे जिसने 9 असिस्ट किए थे, और मैथ्यू मिलर 3 असिस्ट, और यहाँ से एब्डियल एरो ने 3 असिस्ट किए थे, और बाकी सभी ने 1-2 असिस्ट किए, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। तो गाइस अब बात करें जो इस टीम तरफ से जो 5 गोल आए हैं मतलब 4 गोल आए हैं कौन कौन से प्लेयर के उनके बारे में देख लेते हैं। तो फिलहाल के टाइम पर यहाँ से यूइल ने 2 गोल किए हैं इस टीम तरफ से, और जेसन हॉफमैन ने 1 गोल किया, और यहाँ से निगेल बुगार ने 1 गोल किया, वो किया है हेडर में, तो इंपॉर्टेंट रहेगा प्लेयर हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आप चाहे तो इसे पिक करके चल सकते हो। और गाइस अब बात कर लेते हैं जो हमारी ड्रीम इलेवन टीम होगी ना इस मैच में उस टीम के बारे में, तो क्या रहेगी इन सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखने के बाद क्या रहेगी हमारी ड्रीम इलेवन टीम, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ ड्रीम इलेवन की टीम को। तो गाइस फिलहाल की मेरी टीम यहाँ से ये होने वाली है, अगर इस टीम में आपको कोई चेंजिंग मिलेगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, इसी टीम को अगर कोई चेंजिंग होगी तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। लेकिन कैप्टन यहाँ से डेविड बॉल को बनाया है मैंने कैप्टन, और वाइस कैप्टन मैं अपनी लाइनअप आने के बाद ही डिसाइड करूँगा कि कौन से प्लेयर्स मेरे इस मैच में वाइस कैप्टन हो सकता है, क्योंकि आपको ड्रीम इलेवन पर इन प्लेयर्स का ज़्यादा पॉइंट दिख रहे होंगे जो न्यूकास्टल जेट्स है, क्योंकि इन्हें 4 मैच खेले हैं, लेकिन जो वेलिंगटन फोनिक्स है इसने अभी 2 ही मैच खेले हैं, तो इनके कम पॉइंट दिख रहे हैं, तो इसलिए इन प्लेयर्स का सलेक्शन भी काफ़ी कम है, और अगर मैच ने परसेंटेज सिलेक्शन पे चला गया ना तो मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकता, प्रेडिक्शन धरी रह जाएगी। लेकिन ये सही है अगर हमारी और मैच जिस तरह कल गया था मतलब प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग है ना तो पक्का वन साइड विन करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, लेकिन तब गलत होता है मतलब जब परसेंटेज सिलेक्शन पर टीम चली जाती तो भाई वो तो क्या ना प्रेडिक्शन फेल ही हो जाती है। तो फिलहाल के लिए मेरी टीम में कैप्टन ये होने वाला है, और वाइस कैप्टन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा है, नहीं तो आप हम टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लेना क्रिकेट, यहाँ पर लिखना क्रिकेट, फिर वहाँ लिखते पॉड, क्रिकेट पॉड के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है मतलब टेलीग्राम चैनल है, तो वहीं पर ज्वाइन हो जाना। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं सीधे टेलीग्राम पर, इतने के लिए गुड नाइट।